रवि बेटा, ये ऑटो चलाने की जिद छोड़ दो और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो मुझे बस फोन कर देना, जितने चाहोगे मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। पापा, आप चाहें तो अपनी पार्टी बदलने का काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने इरादे पर डटा रहूंगा। मैं अपने कॉलेज की फीस ऑटो चला के ही भरूंगा। क्या हुआ माँ, आपको भी मेरे जाने से बुरा लग रहा है, इसलिए रो रही हो? तेरे जाने से बुरा नहीं लग रहा है, पहले से पता था, फिर क्यों रो रही हो? मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी इस साल वर्मा जी की बेटी से कराना चाहती थी। पूरा 50 तोला सोना और नई मारुति वैन दे रहे हैं। क्या कहा, वर्मा जी की बेटी, वो मोटी? माँ, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, मेरी जीवन साथी इस दुनिया में आ चुकी है, बस जल्दी ही मिल जाएगी, देखना वो एक हसीना होगी, एक परी, यो समझो कि स्वर्ग से उतरी हुई एक अप्सरा। हे रवि, बड़े कॉलेज में जा रहे हो, मन लगा के पढ़ाई करना, वहाँ फेल होके हमारी नाक मत कटवा देना, समझ गए? हेलो, स्कूटी 1 महीने पहले बुक की थी पर अब तक डिलीवरी नहीं हुई उसकी। मैंने सारे पैसे एक साथ भरे थे, फिर अब तक अपनी स्कूटी क्यों नहीं भेजी? जल्दी बताओ ना, मेरी स्कूटी कब आएगी? अरे एक तारीख तो बता दो। सॉरी सर। क्या मैडम, मोबाइल पे बात करने का ये मतलब तो नहीं है कि आसपास के लोगों को धक्का देते चलो? कौन सा पहाड़ टूट गया, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? मिस्टर रवि, मोहतरमा सारा सामान उठा चुकी हैं, हाथों से झाड़ू लगाना बंद करें। थैंक यू। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे रोमियो की औलाद, सॉरी सॉरी पे अटका रहेगा क्या? चल, ट्रेन का वक्त हो गया है, चल जल्दी चल। ए बोला, उसे देख के मुझे उस लड़की की याद आ गई। किस लड़की की बात कर रहा है? अरे वही लड़की जो मेरी कामयाबी की वजह बने, जिसकी वजह से मैं पुलिस रवि बनूं, वही लड़की, उसने मेरा कुछ छीन लिया है। अरे क्या छीन लिया, कुछ बताएगा भी? यार ऐसा लगता है जैसे वो मेरा चैन छीन के ले गई है। कुछ लेके नहीं गई अभी, कुछ छोड़ के गई है। आप लोग भी मुंबई जा रहे हैं? ये भी मुंबई जा रही है? अरे कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। ए रमेश, चुप बैठो ना। ए रमेश, डिस्टर्ब मत करना। ए रवि, क्या हुआ भाई? ये बताइए, रमेश कौन है और आया कहाँ से? मेरा बेटा। हा? तेरा बेटा? हाँ। और उसकी माँ? वो जो सामने बैठी है वही तो है। हा? देख बेटी, ज्यादा फ्रेंडशिप मत करना। एक ही बेटा है? छे, एक बेटा और एक बेटी, उसके बाद हमने फैमिली प्लानिंग कर ली। उन्हें देखे हुए 10 सेकंड ही हुए हैं और जनाब ने फैमिली प्लानिंग भी कर ली। अगर थोड़ी देर मैं यहाँ और बैठा तो तू अपने बच्चों का मामा मुझे बना देगा। तू पका अपना ख्याली बुलाओ, मैं तो चला। कृपया ध्यान दे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी मुंबई जाने। दादी, ट्रेन निकलने वाली है, क्या कर रही हो? हम परेशान क्यों हो रही हो? जल्दी आ रही हमारी, जल्दी आइए दादी। एक मिनट रुको, तुम स्टेशन में नहीं आ रहे हो क्या? कहाँ? मुंबई? मुझे नहीं जाना, मैं दादी को छोड़ने के लिए आई थी। क्या कह रही हो तुम, दादी के साथ मुझे भी छोड़ के चली जाओगी? कहाँ चलेगी? सुनो, तुम कम से कम लोनावला तक तो साथ चल सकती हो ना, इतना तो मान लो। अरे क्या कर रही है ट्रेन? दादी अब आ जाएगी, मैं कब से बोल रही थी। देखो ट्रेन चल पड़ी है। वो जा रही हो, चलो ना मुंबई। चुप रहो ना, जल्दी से। मैं जा रही हूं। कहां जा रही हो? सुनो, बाय बाय बेटा। बाय दादी। हेलो, क्या हुजूर, बेगम से बात हुई? क्या कर रही है वो? बेगम आई नहीं। क्या मतलब नहीं आई? अरे क्या बताऊं, वो नहीं जा रही थी, उसकी दादी जा रही है, मेरा सरकारी हो। बेटा, ए बेटा, बहरे हो? मैं पूछ रही हूँ, मुंबई जा रहे हो? नहीं, जापान जा रहा हूँ। ओहो, यानी तुम मुझसे 2 स्टेशन पहले उतर जाओगे।
महेंद्र कुमार IFS, मनोहर MBA, मेरे हीरो देवराज, बहुत जल्दी मेरी फोटो भी आप ही के पास लगी होगी और मैं भी एक IPS ऑफिसर बनूंगा। यहाँ जो भी पढ़ा है उसने काफी नाम कमाया है। विलास, फर्स्ट ईयर BCom 2009। जिस तरह तेरी हवा निकल गई मुझे लाइव देखकर, उसी तरह तेरे जैसे और भी है जिनकी हवा निकल जाती है मेरा फोटो देखकर। अच्छे अच्छों को मेरा फोटो देखकर लग जाता है करंट, बिकॉज माई हेयर स्टाइल इज डिफरेंट। ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बड़े बड़े लोगों की फोटो लगती है और तुमने अपनी फोटो लगा ली, इसके लिए तुम्हें निकाला जा सकता है। इडियट। क्या हुआ सर, क्या किया इसने? आप ही देखिए क्या किया इसने। सर मैंने आपको पहले ही कहा था इसको एडमिशन मत दीजिए, लेकिन आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। आप भुगतिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना वरना किसी भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगा। स्टूपिड, गो टू द क्लासरूम। ऐसे हालात में नाराज होना, चिल्लाना, गला फाड़ना नॉर्मल है, लेकिन टेंशन में भी गला खोल कर हंसना इट्स डिफरेंट। मैं हूँ हटके, सबको देता हूँ छटके। तू भले ही अपने आप को सबसे डिफरेंट समझता होगा, पर तू मुझे एक बहुत बड़ा चूना लगाने वाला लगता है। बंदे में दम है। नेहल। यस मैम। उमा। और जैसा कि आपको पता है कि तुम उमा हो। यस मैम। कॉलेज के फर्स्ट डे ही लेट। वो मैम एक्चुअली बात ये है कि नो एक्सक्यूजेस, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, जाके बैठ जाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, नॉनसेंस। कॉलेज के बाद नहीं काम कर सकते? एक तो वैसे ही आजकल के ये बच्चे, ऊपर से ये शोर। इतने शोर में मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? इडियट्स। ये टीचर कितना बड़बड़ करती है ना, सारी खिड़कियां भी बंद कर दी। कितनी स्टूडेंट्स यहाँ पर, बिल्कुल हवा नहीं है। एक तो गर्मी ऊपर से। क्या बात है, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? गेट अप। मैम बात क्यों कर रही हो? ये कह रही है कि यहाँ पे बहुत घुटन हो रही What? है, खिड़कियाँ जो बंद है। मैम यू सिट डाउन, गेट अप, गेट अप। एक तो तुम क्लास में लेट आई हो, ऊपर से बीच में बात करके सबको डिस्टर्ब कर रही हो। तुम कॉलेज में पढ़ने आई ही क्यों हो? तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बॉयफ्रेंड के ख्यालों में ही रहती हो। उनके साथ मूवी जाना है, बीच पे घूमने जाना है, यहाँ घूमना है, कॉफी शॉप जाना है। पढ़ाई नहीं करनी है तो जाओ यहाँ से, निकलो मेरी क्लास से। सॉरी मैम। सिट डाउन। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या करते हैं भाई साहब? क्या हुआ बेटा? आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है, आपकी ठक ठक से हम सबको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। आप अपना काम अभी रोक के 2 घंटे बाद शुरू कर सकते हैं? 2 घंटे बाद? ठीक है, 5 बजे तक बंद करते हैं। चलो रखो सामान सब। थैंक्स भाई साहब। कोई बात नहीं बेटा। अरे हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो क्या हुआ, तुम तो पढ़ाई कर लो बेटा। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन प्यार की भाषा जानते हैं, पर हम सब तो पढ़े लिखे हैं और फिर भी हमें लोगों से प्यार से बात करना नहीं आता। इस लड़की से आज आप पहली बार मिली हैं, लेकिन आपने इसके बारे में सब बता दिया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखती है, बीच जाती है, डेट करती है, न जाने क्या क्या करती है। जमाना चाहे जो भी हो, पर स्टूडेंट अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता है। अपने कॉलेज के दिनों में आपने भी यही सब किया होगा मैम। आपको भी किसी से प्यार हुआ होगा, उससे आपने शादी की होगी और आज आप उससे खुश हैं। क्या आप उनके साथ मूवीज, बीच या फिर डेट पर नहीं गई थी? आज आप एक लेक्चरर हैं लेकिन आप भी कभी एक स्टूडेंट ही थी। प्लीज ये मत भूलिए और आज के स्टूडेंट्स की भावनाओं की कद्र कीजिए। सी यू टुमारो। सॉरी उमा। थैंक यू ब्रदर। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल डिफरेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाने का फैसला कर लिया है। अब मतलब मुझे अपना दोस्त बना लो ना प्लीज। वो कह रही थी कि यहीं कहीं उमा कैब्स का बोर्ड लगा होगा। अरे यार तू खामखा उसके झांसे में आ गया, पहली मुलाकात में थोड़ी ना हो तुझे सही एड्रेस देगी। गधे की लाद, बम्बई की बरसात और लड़की की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मिल गया मिल गया। उमा कैब्स, उमा विला। अरे यार तू क्या पहले पोस्टमैन था, सही एड्रेस ढूंढ लिया बे। सर। अबे प्यार से बोल। सर, मेहमानों का स्वागत करना कोई इनसे सीखे। इडली वड़ा लेकर गेट पे ही आ रहा है। लाइए लाइए, चटनी नहीं लाए? लगता है हमें बैठ के खिलाएंगे। का 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 कौवे के लिए।
आप लोगों को क्या चाहिए? सर, हम लोग उमा के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ हाँ, उसने बताया था। अभी मैं उसे बुलाता हूँ। बड़ी भूख लगी है, इडली वड़ा बड़ा टेस्टी लग रहा है। अब देख मैं इस कौवे का कैसे पोपट बनाता हूँ। तुझे भूख नहीं है तो मैं ही खा लेता हूँ। अरे मीनाक्षी, आज तुमने इतनी जल्दी खा लिया? ये कौवे जैसे तुच्छ पक्षी को मीनाक्षी क्यों बुला रहा है? लगता है खाना तुम्हें बहुत टेस्टी लगा। मीनाक्षी हमें क्यों घूर रही है? हमें नहीं, तुझे। और दो बड़े ले आऊं? और लाओगे तो ये एंटीक पीस उसे भी चट कर जाएगा। अरे बाप रे, ये कौवी तो बोलती भी है। क्यों रे, मेरे ही घर आकर मेरी बीवी का खाना चुराता है? माफ करना सर, मुझे पता नहीं था कौवी के भेष में आपकी बीवी है। पानी दीजिए ना। तुमने अपमान किया है। पानी छोड़, पानी छोड़। पहले खाना चुरा लिया भुक्खड़, और अब पानी पर मुंह मार रहे हैं। क्या बात है, इसने तुम्हारी माँ का खाना चुरा के खा लिया है। क्या यार, खाना चुराने की क्या जरूरत थी? आज ग्रहण है और हर ग्रहण पर पापा मम्मी की आत्मा को खाना खिलाते हैं। कौवे का खाना यानी मेरी मम्मी का खाना, और तुमने वही चुरा लिया? वो तुम्हारे सपने में आके तुम्हें परेशान करेगी, चोंच मारेगी। पापा, बेचारों को भूख लगी होगी, तुम लोग अंदर आ जाओ। ये लो, मेरी बेटी ने बताया कि तुम कॉलेज की फीस भरने के लिए ऑटो चलाना चाहते हो। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ तुम कोई प्रॉब्लम मत करना। सर, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। लेकिन इसमें भी कंडीशंस अप्लाई है। तुम्हें हर रोज मुझे कॉलेज के लिए पिकअप करना है और उसके बाद ड्रॉप भी करना है। अरे ये क्या, यही तुम्हारी कंडीशन है, करना तो पड़ेगा। ठीक है सर। मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? आज मेरा दोस्त ऑटो चलाने वाला है। तो क्या हुआ, तुम्हारा फ्रेंड ऑटो ही चला रहा है, कोई प्लेन नहीं उड़ा रहा जो पेड़े बांट रहे हो? अबे ब्रेकिंग न्यूज सुन, मेरा दोस्त चलाएगा रिक्शा, बनेगा पुलिस वाला आफ्टर टेकिंग फुल शिक्षा। मुहूर्त का टाइम हो गया भाई, नींबू निचोड़ और सबको पीछे छोड़। अरे वो जा रहा है। मेरा दोस्त मेरे बिना कहीं नहीं जाता, वो अगर लोहा है तो मैं चुंबक हूँ। तो जा, चिपक जा। अरे अरे रुक, ऑटो में गैस मैंने भरवाया और तू मुझे छोड़कर जा रहा है? ऐसा नहीं है, देख मैं उसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ जिसमें वो पढ़ते थे, ऑटो चला रहा हूँ जैसे कि वो चलाते थे। कम से कम मुझे उनका आशीर्वाद तो लेना चाहिए। किसका? देवराज IPS। सुनिए सर, नहीं है। कौन? देवराज IPS। अरे भाई, वो यहाँ से 6 महीने पहले चले गए। चले गए? आप जानते हैं वो कहाँ गए होंगे? हो सकता है दिल्ली या चेन्नई चले गए हो। सुना है उनका ट्रांसफर हो गया है पुलिस ट्रेनिंग कैंप में।